हाय गाइस, इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। एप्पल ने iOS 16.6.1 का एक नया अपडेट रिलीज़ किया है। 8 सितंबर वाली सुबह को ये मैंने चेक किया है और अभी आप चेकआउट कर सकते हो। आईफोन 12 है मेरे पास, और अगर आपके पास कोई भी आईफोन है और आपके फ़ोन में ये अपडेट शो नहीं हो रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शो करना है। सबसे पहले आप चेकआउट कर सकते हो, दिस इज़ माई आईफोन 12। जनरल में चलते हैं तो यहाँ पर आईफोन 12 iOS 16.6 के ऊपर रन कर रहा है, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स वाले सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो iOS 17 बीटा शो हो रहे हैं और iOS 16.6.1 का स्टेबल अपडेट जो है ना वो शो ही नहीं हो रहा। तो अगर मुझे वो अपडेट चाहिए तो मुझे क्या करना है, सिंपली बहुत आसान मेथड है, बहुत ही ज़्यादा। कहीं सफारी पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं नहीं जाना है आपको। सिंपली सेटिंग्स में अगर आपको iOS 17 भी शो नहीं ना हो रहा तो अपने नेटवर्क्स चेक करो, एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो। सो अगर 17 शो रहा है, 16.6.1 शो नहीं हो रहा, तो आपको बीटा अपडेट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर iOS 16 बीटा पब्लिक बीटा शो हो रहा है या ऑफ शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो एंड दैट्स इट। और अभी आपको जो है अपडेट पॉप आउट हो जाएगा 16.6.1 का, दैट सिंपल। सो कितना आसान है ये चीज़। सो आई होप गाइज आपके केस में भी ये जो अपडेट है वो शो हो गया होगा और आपको इसको ज़रूर इंस्टॉल करना है, ये मस्ट है आईफोन 12 यूज़र्स, आपके लिए भी 11 यूज़र्स और बाकी सारे आईफोन्स वाले जो भी iOS 17 अपडेट इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो कि कैसे आपको iOS 16.6.1 का अगर अपडेट शो नहीं हो रहा तो कैसे शो करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।